Hi friends, I'm Anamika and welcome to my channel Anna's Recipes. Friends, I hope aapko mera desert season acha lag raha hoga aur main jaldi aane wali hu breakfast season ke saath. Friends, aaj ki jo recipe hai wo aapne na to kahin khai hogi, na hi kahin dekhi hogi aur na hi kahin suni hogi. Because ये recipe दो दिन पहले मैंने invent करी थी अपने kitchen में और जब मैंने खिलाई अपने family members को तो उन सबको इतनी पसंद आई कि उन्होंने suggest किया कि मुझे ये अपने channel पे दिखानी चाहिए. तो friends ये जो mouth watering tasty recipe है ये fusion है एक Indian और Western recipe का. तो आइए देखते हैं इसकी झटपट ingredients. फ्रेंड्स, ये डेजर्ट बनाने के लिए हमें चाहिए अराउंड हाफ कप मैदा, हाफ कप गेहूं का आटा, अराउंड हाफ कप दूध, अ पिंच सॉल्ट, हाफ कप शुगर एंड वन टीस्पून घी और यू कैन यूज बटर. और ये हमें चाहिए डो बनाने के लिए. हमें चाहिए कुछ बनानास, थोड़ा सा देसी घी और तलने के लिए, और चाहिए अराउंड हाफ कप पीनट बटर. बनाते हैं डो. पहले लेते हैं मैदा, आटा, थोड़ा सा सॉल्ट डालते हैं, और अराउंड वन टीस्पून देसी घी डाल देते हैं. एक टीस्पून से ज्यादा ना डालें, इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से. और दूध के मदद से एक डो तैयार करते हैं. फ्रेंड्स, ये डो बहुत सॉफ्ट डो होना चाहिए, जैसे कि हम नॉर्मली पराठे के लिए बनाते हैं. ये देखिए डो एकदम रेडी है. इसे रेस्ट करने रख देते हैं अराउंड 15 मिनट्स और तब तक हम एक फिलिंग तैयार कर देते हैं. डाल देती हूँ घी. पीनट बटर अच्छे से मिक्स कर देते हैं और चलाते हैं 2 मिनट के लिए. डाल देती हूँ कटे हुए बनानास, उसके साथ ही 1 चम्मच चीनी, और हल्के हाथ से इसे मिक्स करना है. जैसे ही चीनी पिघल जाए आप गैस बंद कर दें, इसे ठंडा होने रखते हैं. बनाते हैं चपाती के जैसे. लेते हैं ग्राउंडर, इसको आटे में लगाते हैं और बेल लेते हैं. इसे बिल्कुल हमें चपाती के जैसे बेलना है. और अब घी ब्रश कर देते हैं अच्छे से और डाल देते हैं चीनी. चीनी एकदम बीच में डालनी है और अराउंड 2 से 3 चम्मच या फिर जितना मीठा आप चाहते हैं उस हिसाब से. ये देखिए, अब इसे अच्छे से सील कर देते हैं चारों साइड से, एक रेक्टेंगुलर शेप देते हुए. अब इसे सूखे आटे की मदद से बेल लेते हैं. हमें इसे हल्के हाथ से बेलना है और मोस्टली एंड्स में इसे बेलना है, सेंटर से नहीं, ताकि इसकी शेप बनी रहे. ये देखिए एकदम रेडी है. अब इसे हम ट्रायंगल्स में काट लेते हैं. तो हम 4 पीसेस कर लेते हैं. चढ़ा देती हूँ एक पैन,
कोशिश करें कि आप इसके लिए नॉनस्टिक पैन लें। ये पीसेस मैं नॉनस्टिक पैन में डाल देती हूँ। जैसे ही ये हल्के से सिकने लगेंगे हम इसमें घी डालेंगे। फ्रेंड्स आप चाहें तो आप इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। ये अच्छे से आप इसे घी से दोनों साइड से लगा के सेक लीजिए, अच्छे से सेक जाएगा। कि हमें इसे क्रिस्पी बनाना है। अब हम इसे पलट देते हैं। फ्रेंड्स बहुत ध्यान से हमें इसे पलटना है क्योंकि इसमें चीनी है और ये आपके हाथ को जला सकती है, तो आप इसमें हाथ बिल्कुल ना लगाएं। देखिए ये सिक भी रहा है पीछे से, पलट देते हैं इसे भी। दूसरी साइड से भी घी अच्छे से लगा देते हैं। अब हम इसे क्रिस्पी सेकेंगे। देखिए कितनी खूबसूरती से सिक रहा है। ये सिक चुके हैं ऑलमोस्ट। अब हम इसे निकाल देते हैं एक प्लेट पे। और ऐसे ही अपने बाकी के पीसेस भी सेक लेते हैं। फ्रेंड्स ये फिलिंग एकदम रेडी है और क्रिस्पीज भी रेडी हैं, ठंडे भी हो गए हैं। आइए इन्हें अरेंज करते हैं। प्लेट में इस तरह से लगा देते हैं और अब इन पे ये फिलिंग लगाते हैं जो हमने बनाना और पीनट बटर की बनाई है। सब पे लगा देते हैं अच्छे से और डेकोरेट कर देते हैं क्रश्ड आमंड्स पाउडर से। ये बादाम का पाउडर है और थोड़ा सा कसा हुआ नारियल। और ये हमारी क्रिस्पीज एकदम रेडी है। फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? फ्रेंड्स इसका नाम तो मैंने अभी तक नहीं रखा है क्योंकि दो दिन पहले ही मैंने ये ट्राई करी थी। क्यों ना आप इसका नाम सजेस्ट करके मुझे बताएं, आप इसका नाम सजेस्ट करके मुझे कमेंट्स में बताएं और प्लीज आप इस रेसिपी को ट्राई करें और इसका फीडबैक मुझे दें कि आपको ये कैसी लगी। फ्रेंड्स सैटरडे से हम नो ओवन नो तंदूर की एक बेकिंग क्लास शुरू करने वाले हैं जिसमें हम विदाउट ओवन विदाउट तंदूर के बेकिंग करेंगे, एगलेस बेकिंग। आप उसे मिस मत करिएगा और आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए जिसने नहीं किया है ताकि आपको अपडेट्स रेगुलर मिलते रहें। ठीक है फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अब मैं चलती हूँ। टेक केयर, बाय।